नाम सलीमा बानो है, हम यहाँ रहते हैं बोन जिला में। टैंकी बन रही है, बोला पानी के लिए सुलित हो जाएगी, 4-5 साल से बन रही है, अभी हमें कोई सुलित नहीं हुई है इसकी। जी सबों से बात की है, हमें कोई पूछता ही नहीं। हमें यहाँ पे 5-10 घर है, हम यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, चश्मे पे जाना पड़ता है पानी लाने। किसी टाइम हमें बच्चे पकड़ने वाला कोई नहीं होता है, हम बच्चों को साथ उठा के जाते हैं। कपड़े धोने के लिए चश्मे पे जाना पड़ता है सर, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत दूर जाना पड़ता है। वो आप देख भी सकते हैं वो कहाँ पे जाना पड़ता है हमें। बहुत ज्यादा मुश्किल है हमें सर, बहुत ज्यादा। हमें कोई पूछता ही नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं आता है सर कि पानी की प्रॉब्लम है। आज किस जगह, वो कौन सी जगह है जिस जगह में पानी नहीं है सर, हमें पानी की प्रॉब्लम है। खुदा इधर कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी कहाँ से लाएंगे, खुदा ना खासा आग लग जाएगी। बर्फ पड़ेगी तो हमें बर्फ पिघलानी है, फिर उसी का पानी बनाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ होगी, कहाँ से हम चश्मे पे जा सकेंगे। बस हम ये चाहते हैं कि इसको ये जल्दी जल्दी जल्द से जल्द ठीक किया जाए। हमें यहाँ पे सुलित होनी चाहिए, हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है पानी की। अभी बर्फ पड़ेगी, हमें फिर वो बर्फ पिघलानी है तो हमें फिर पानी मिलेगा। मेरा नाम मलिक जहूर अहमद है, मैं इधर पास के गाँव से ताल्लुक रखता हूँ, हारीपुरा उसका नाम है। फिल्ट्रेशन प्लांट आज से पहले 5 साल इसका संगी बुनियाद रखा गया था। इस पे कम से कम 600-700 चूल्हे इस पे मुश्तमिल है अभी, लेकिन उन 700 चूल्हों को अभी पता नहीं किन मुश्किलों से सामना करना पड़ता है इन सर्दियों के आयामों में भी। तो हम यही चाहते हैं कि इसका काम अगर शुरू हो जाए तो लोगों को इस इन सर्दियों के आयामों में इन मुश्किल से ना गुजरना पड़े। 5 सालों में ऐसे ही हुआ है कि 1 महीना काम होता है तो 4 महीने काम बंद, 4 महीने के बाद फिर से 1 हफ्ते के लिए काम, 6 महीने काम बंद, वैसा बस इसका यही चलता रहता है। लोग बहुत परेशान है, बहुत दुखी है लोग इस काम से। इसका अभी होना या ना होना ना के बराबर है, बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है, खासकर अभी इन आयामों में, क्योंकि अभी तो पानी जम ही जाता है, तो नलकों में थोड़ा सा पानी अगर पुराने प्रोजेक्ट से आता है तो वो भी जम के लोग बहुत परेशान हैं। हम यही चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए ताकि लोगों को फालतू का सामना ना करना पड़े, ये हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं। मेरा नाम जावेद अहमद है, मैं हारीपुरा में रहता हूँ। यहाँ पर बहुत से लोगों का सपना था कि ये पानी तैयार हो जाएगा, ये फिल्टर प्लांट बन जाएगा और हमें इससे पानी मिलेगा, लेकिन वो लोग गुजर गए, उनका सपना अधूरा रह गया है। इसका बहुत सालों से काम चल रहा था, 2 साल हो गया काम बंद रहा है इसका। अब इस लोग बहुत सफर कर रहे हैं पानी के लिए। यहाँ पर थे पुराने प्रोजेक्ट जो थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे, लेकिन उस टाइम आबादी कम थी, अब आबादी बढ़ गई है। ये उम्मीद बैठ कर रह गए थे लोग कि ये प्रोजेक्ट बन रहा था, इससे चालू हो जाएगा जल्दी पानी, मतलब बहुत सहूलियत आ जाएगी। 2 गांवों को कम से कम 700 चूल्हे हैं इस पर, उनको सहूलियत आ जाएगी, लेकिन 2 सालों से काम रुका हुआ है। आप खुद देखो अब कितने साल लगेंगे, और ये तो हमें मालूम नहीं है। यहाँ पर भी जो ये बस्ती है, इनका भी सपना यही था कि ये तैयार हो जाएगा, हमें पानी मिलेगा, लेकिन इनके पास नल भी नहीं है, आप खुद ही देख लीजिए। ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हरिपुरा बंजल का जो प्लांट है उसमें 70-80% काम हो चुका है, फिल्ट्रेशन प्लांट बना हुआ है, SR बने हुए हैं, जो पाइपलाइंस हैं वो सप्लाई लाइंस लगी हुई हैं। उसमें 2 इश्यूज हैं, एक तो उसमें रॉ वाटर की जो सप्लाई लाइन है उसमें पब्लिक डिस्प्यूट है, 2 मोहल्लों के बीच में कोई, वो लोग वहाँ से टैप करने नहीं दे रहे हैं हमको जो वसन से है, तो उसमें भी मैंने वहाँ के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात की हुई है, और हम इसी हफ्ते एक वहाँ पे एक हमने प्रोग्राम रखा है ताकि उनसे बात की जाए, उनको समझाया जाए कि ये पब्लिक के लिए ये प्रोग्राम है तो इसमें वो कोई अड़चन न डालें। लेकिन मेजर इशू जो है, जो आपने राइटली हाईलाइट किया है कि जो कॉन्ट्रैक्टर जो उसमें काम कर रहा है वो उसने फिल्ट्रेशन प्लांट का काम स्लो कर दिया है और इस वक्त नहीं कर रहा है, तो उसको हमने ऑल फाइनल नोटिस इशू कर दी है, और अगर उसने 2-3 दिन में उसका जवाब नहीं दिया तो उसको फॉरफीचर के लिए हायर ऑफिस को जाएगा और उसको रिटेंडर कर देंगे हम इमीडिएटली। देखिए उसका टोटल प्रोजेक्ट कास्ट था 5.2 करोड़, और उसमें 70, जैसे मैंने कहा 70-80% काम हो चुका है, लेकिन चूंकि ये लैंग्विशिंग प्रोग्राम में था उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स थोड़ा सा डर रहे थे ज़्यादा इन्वेस्ट करने से, क्योंकि उनको ये श्योरिटी नहीं थी कि उसमें फंडिंग प्रॉपर हो जाएगी, लेकिन इस साल से फंडिंग उसकी पूरी प्रॉपर हो गई है, तो अब कॉन्ट्रैक्टर के पास कोई ऐसा जवाब नहीं बचता है कि वो काम पूरा ना करे, इसी वजह से हमने उसको फाइनल नोट्स निकाली हुई है। उसमें सिर्फ 2 महीने का या 1.5 महीने का काम बचा हुआ है, एज सून एज अगर हमारा नई अलॉटमेंट हो जाती है तो विद इन अ मंथ हो जाएगा और
मैक्सिमम 45 डेज,